मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। नमस्कार, आज चर्चा करते हैं राजस्थान की सियासत की। बहुत गर्माई हुई है लेकिन तूफान से पहले की शांति अभी दिखाई दे रही है। आज यानी तारीख है 31 मई और सचिन पायलट के अल्टीमेटम का आखिरी दिन है, लेकिन सियासत ने ऐसी करवट ली कि अल्टीमेटम से पहले मांगे पूरी नहीं हुई पर सुलह जो है वो थोप दी गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पार्टी में एक ही साथ रहना है तो साथ रहेंगे, ये पहली प्रतिक्रिया थी। इसका मतलब क्या है समझना मुश्किल नहीं है। दोनों के बीच रस्साकशी चरम पर है और चुनाव सिर पर है। कांग्रेस के भीतर ऐसी कहानियों का एक पूरा इतिहास है। ऐसी ही रस्साकशी बिहार में खूब चली जब कांग्रेस का रसूख था। अब तो खैर लालू से पानी मांगकर जिंदा है। बिहार के श्री श्रीकृष्ण सिंह और उनके डिप्टी बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के बीच जो रार चला करता था उसी को दोहरा रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत। लेकिन आज फोकस करेंगे बिहार की उस कहानी पर, उसको कोरिलेट करेंगे राजस्थान में जो हो रहा है उससे। वो तब की बात है जब बिहार में कायस्थों की बहुत उनका वर्चस्व था, उनको भूमिहारों से चुनौती मिली और फिर जातीय वर्चस्व के लिए गोलबंदी हथियार बनता गया। कायस्थों ने भूमिहारों से लोहा लेने के लिए राजपूतों से हाथ मिलाया। लोहा लेने का मतलब ये नहीं कि जंग का मैदान बन गया बिहार, लेकिन नौकरियों से लेकर विधानसभा में वर्चस्व की लड़ाई थी। धीरे धीरे वर्चस्व की लड़ाई भूमिहारों और राजपूतों के बीच शिफ्ट हो गई। बिहार के श्री श्रीकृष्ण सिंह भूमिहारों के नेता थे और अनुग्रह नारायण सिंह राजपूतों के। श्रीकृष्ण सिंह और श्री बाबू के नाम से मशहूर थे, मुंगेर के रहने वाले थे। अनुग्रह बाबू गया के थे, बिहार विभूति के नाम से मशहूर थे। 1935 में जब गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आया तो बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है। श्रीकृष्ण सिंह सीएम, अनुग्रह बाबू डिप्टी सीएम बने। अंग्रेजों के जाने से पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रभुत्व की जंग इस कदर तेज हुई कि 1942 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बीच बचाव के लिए पटना भेजना पड़ा। राजेंद्र प्रसाद और आज़ाद जैसे नेताओं के समझाने के बावजूद भी दोनों गुट भिड़ते रहे। रामचरित्र सिन्हा, सारंगधर सिन्हा, श्यामा प्रसाद सिंह, सरदार हरिहर सिंह और देवव्रत शास्त्री ने श्री बाबू की तरफ से चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि कमेटी में अनुग्रह बाबू के लोगों ने आतंक फैलाया हुआ है। ऐसी नौबत आई कि रामचरित्र सिन्हा और श्यामा प्रसाद ने वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया। 1952 में जब श्री बाबू बिहार के पहले सीएम बने आज़ादी के बाद, तो उनके गैर भूमिहार समर्थकों में मंत्री बनने की उम्मीद जगी। इसमें एक नाम था राजपूत नेता सारंगधर सिंह का, लेकिन लिस्ट में उनका नाम गायब था। उधर श्री बाबू के रिश्तेदार महेश प्रसाद सिंह कैबिनेट में शामिल हो गए। इसके बाद कायस्थ महारथी और खुद सीएम के दावेदार कृष्ण बल्लभ सहाय ने नाक भौं सिकोर लिया। महेश सिन्हा और सहाय गुटों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होर मचती है, लेकिन सिन्हा ने सहाय को चढ़ने नहीं दिया। 1957 के लोकसभा चुनाव में सहाय गुट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया तो एक गुट ने जन कांग्रेस बना लिया। श्री कृष्ण बल्लभ सहाय भी उसमें थे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पहली बार जोरदार टक्कर होती है। केबी सहाय मजबूती से अनुग्रह नारायण के साथ रहे लेकिन अपने दोस्त को जीत नहीं दिला सके। 1957 में ही अनुग्रह बाबू का निधन हो गया। इसी के साथ राजपूत कैंप में निराशा छा गई, लेकिन जल्दी ही वे विनोदानंद झा के पीछे चले गए जिन्होंने श्री बाबू के खिलाफ मोर्चा संभाला था। 61 में श्री बाबू का भी निधन हो गया। उधर विनोदानंद झा ने दलितों, राजपूतों, मुसलमानों का एक इंद्रधनुषी समीकरण बनाया जिसके आगे महेश सिन्हा नहीं टिक सके। विनोदानंद झा बिहार के दूसरे सीएम बनते हैं। अब होता क्या है, सहाय कैंप ने मौका देखकर चौका मार दिया और झा गुट को शिकस्त देने के लिए भूमिहार, राजपूत, ओबीसी नेताओं का समीकरण बना लिया। अध्यक्ष चुनाव में झा ने तुरूप का इक्का फेंक दिया और कुर्मी जाति के बीरचंद पटेल को आगे कर दिया, लेकिन वो हार गए। सहाय का सीएम बनने का सपना पूरा होता है। श्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने ओबीसी में भविष्य का साथी देखा और बिहार की राजनीति में रामलखन सिंह यादव का
अभ्युदय हुआ। सहाय ने उन्हें अपने कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी जैसा अहम मंत्रालय दे दिया। फिर 1967 के चुनाव में श्री बाबू के बेटे शिवनंदन सिन्हा और महेश सिन्हा एक साथ हो जाते हैं। विनोदानंद झा एक तरफ हो गए। आपसी लड़ाई से तंग आकर रामगढ़ के राजा और महामाया प्रसाद ने पार्टी ही छोड़ दी और जन क्रांति दल बना लिया। एक बात साफ है कि कांग्रेस के भीतर गुटबंदी और वर्चस्व की लड़ाई का कोई सैद्धांतिक बुनियाद नहीं रहा। जातीय समीकरण की भूमिका हमेशा केंद्र में रही, ये बिहार की बात है। जातीय गुटबंदी का फायदा प्रोफेशनल नेताओं ने खूब उठाया। एक रिसर्च के मुताबिक 1950 से 70 के बीच बिहार कांग्रेस के 60 प्रमुख नेताओं में से 30 ने कम से कम दो बार पाला बदला। आज हम दल बदल की बात करते हैं। 10 से ज्यादा नेताओं ने दो बार से ज्यादा पाला बदला। तो जिस तरह राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में लड़ाई जारी है, उस इतिहास की एक वानगी ये बिहार है। 10 जनपद से सिपह सालारों का राज्यों की राजधानियों में जाना, समझाना, हाईकमान का फैसला थोपना और बात न बने तो वापस लौट आना, यह प्रक्रिया पिछले 70 साल से जारी है। यही अजय माकन के साथ भी हुआ। वो जयपुर जाते हैं, समझाइश करते हैं, लौटते हैं, फिर दोनों दिल्ली बुलाया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली बुलाए जाते हैं। सचिन पायलट अल्टीमेटम देते हैं, अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की तैयारी होती है। तब क्या होता है, वो सीएम पद पर भी रहना चाहते हैं। और वो 25 सितंबर 2022 की कहानी, जब अजय माकन सत्ता परिवर्तन करने जयपुर जाते हैं, गहलोत कैंप धौंस दिखाता है। यही आज से 62 साल पहले, यानी 50 और मतलब 72 साल पहले होता था, जब विनोदानंद झा सीएम बने तो अपने हिसाब से मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी से साफ कह दिया, अगर उन पर नाम थोपे गए तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। महेश सिन्हा और झा कैंप ने कैबिनेट में अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तब लैंडलाइन का युग था, दिल्ली दूर थी। 18 फरवरी 1961 के दिन विनोदानंद झा ने शपथ ली तो सिन्हा गुट के सारे मंत्री गायब थे। दिल्ली में कई बैठकों के बाद उनके गुट के मंत्रियों ने 3 अप्रैल को शपथ ली। तो ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है, बिहार की स्क्रिप्ट है, जो शुरुआत बिहार से हुई उसी स्क्रिप्ट पर राजस्थान की फिल्म अभी आप देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।